अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्ती वीडियो, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने एसी को घर पर किस तरह सर्विस कर सकते हैं। इवन आप कोई भी कमर्शियल एसी को भी खुद से सर्विस कर सकते हैं विदाउट किसी कंपनी को हायर किए हुए। तो यहाँ पर हम लोग अपने घर का एसी सर्विस कर रहे हैं और ये एसी 1.5 टन का एसी है। तो हम लोग इसके जितने भी क्लिप्स वगैरह हैं उन सारे क्लिप्स को रिमूव कर लेंगे, और क्लिप्स को रिमूव करने के बाद इसका जो आउटर कवर है उसको उतार लेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है क्लिप्स रिमूव करते हुए कि आपकी कोई भी क्लिप्स डैमेज ना हो जाए। यहाँ पर आपको ध्यान से ये सारे के सारे क्लिप्स रिमूव कर लेने हैं, और क्लिप्स रिमूव करने के बाद इसके पार्ट्स अलहदा कर लेने हैं। यहाँ पर ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हमने सेपरेट कर लिया है, और सेपरेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस कदर इसके ऊपर मट्टी है और कितना गंदा एसी हो चुका है। तो ये है इसकी बिफोर की कंडीशन, और इसका ब्लोअर आप चेक कर सकते हैं कि ब्लोअर में कितनी ज्यादा मट्टी है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से कूलिंग भी नहीं कर पा रहा था, और इसका आपके बिजली के बिल पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका एसी अच्छी तरह से सर्विस ना हुआ हो तो वो बहुत ज्यादा वोल्टेज ले रहा होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया एक पेनाफ्लेक्स। आप चाहें तो कोई शॉपर बड़ा भी यूज कर सकते हैं, जैसे गार्बेज बैग का कोई भी शॉपर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे यूज की पेनाफ्लेक्स। और ये जो इसके जितने भी पार्ट थे हम इसको भी वॉश कर लेंगे। हमारे पास एक प्रेशर गन है जिसके थ्रू हम इसको साफ कर रहे हैं, और इसके प्रेशर गन के थ्रू अब हम लोग जितना भी एसी का गन वगैरह है ब्लोअर के ऊपर से और आउटर जितना भी था वो सारा का सारा हम इसको प्रेशर गन के थ्रू हम इसे साफ कर लेंगे। इसका जितना भी पानी है वो एक टब के अंदर जमा होगा और कोई भी मेस क्रिएट नहीं होगा। अगर आप अपने कमरे में कर रहे हैं या किसी ऑफिस में कर रहे हैं तो आपको कोई भी जगह दोबारा से साफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसके नीचे फ्लेक्स इसी वजह से लगाई थी कि इसका सारा का सारा पानी आप एक ही जगह पे इकट्ठा कर सके, जो कि आपका गंदा पानी होता है। यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पर भी प्रेशर गन के थ्रू हम इसे साफ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने किसी किस्म का कोई ब्रश नहीं यूज किया, हम लोगों ने सिर्फ इसे प्रेशर गन के थ्रू हम लोगों ने इसको सर्विस किया है, और इसमें हमने कोई डिटर्जेंट ऐड नहीं किया, कोई लिक्विड सोप हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ हम लोगों ने इसे सादा पानी के साथ साफ किया है। और हम आपको दिखाएंगे कि इसमें बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो आफ्टर क्या लुक है, जिसके अंदर से बिल्कुल मिट्टी हट चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा एसी सर्विस हो चुका है। लास्ट टाइम हमने यही एसी बाहर से सर्विस करवाया था और उन्होंने इसको उतार कर सर्विस किया था, मगर इसकी कूलिंग में बहुत डिफरेंस आ गया था और कूलिंग इतनी अच्छी नहीं रही थी। मगर जो अब हमने घर पर हमने इसे खुद से किया है तो इसकी कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए होगा, एक प्रेशर गन चाहिए होगी, प्रेशर गन के साथ आपको पानी चाहिए, एक टब चाहिए, और पेनाफ्लेक्स या फिर कोई भी प्लास्टिक का आपको बड़ा शॉपिंग बैग चाहिए। तो आप अपना एसी जो है वो घर पर नो कॉस्ट पे सर्विस कर सकते हैं। अगर तो आप प्रेशर गन खरीद सकते हैं तो बेस्ट है कि अगर आप इसे खरीद के रखें, वरना आप इसे रेंट पर भी ले सकते हैं, रेंटल भी ले सकते हैं, और रेंट पर भी लेकर आप इसे अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने एसी को बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद प्रॉपर तरीके से इसको फिक्स कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें।